वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल LLB यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झूठे केसों से बचने के लिए आप SSP को कैसे शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पक्ष अगर आपको किसी झूठे केस में फंसा सकता है या फिर कोई पड़ोसी आप पर झूठे केस करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर आपको किसी भी केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तब आप कैसे SSP को शिकायत कर सकते हैं, कैसे आप झूठे केसों से बच सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति खुद को झूठे केस होने से खुद को नहीं बचा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कभी भी झूठे केस कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने सही समय पर सही कार्रवाई की है और अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अदालत में सबूतों के तौर पर वो दस्तावेज़ वो सबूत रख करके अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। सिर्फ झूठे केस का यही इलाज है। तो बात करते हैं कि वो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे कि आप झूठे केसों से खुद को बचा सकें। तो ऐसी कंडीशन में आप SSP को शिकायत पत्र लिख सकते हैं और वो शिकायत पत्र कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि एक शिकायत पत्र मैंने पहले ही एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आज ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, फिर वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी हो सकता है कि मैं आपको डिस्प्ले पे भी आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको SSP को ये शिकायत पत्र आपको लिखना है। तो शुरुआत में आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है। उसके बाद आपको लिखना है महोदय, निवेदन यह है कि यहाँ पर क्या है कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में क्या क्या लिखेंगे समझ लीजिए, आपका जो भी निवास स्थान है वो, आपका थाना कौन सा पड़ता है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर पर निवेदन यह है कि प्रार्थी गाँव जवाहरपुर थाना निदौली कला जिला एटा का रहने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एडिटिंग कर लेनी है, अपने हिसाब से चेंजेस कर लेने हैं। उसके बाद आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति आप पर झूठा केस करना चाहता है तो क्या रीज़न है, मतलब क्या है कि वो आपको किसी भी झूठे केस में आपको फंसाना चाहता है, उसका आप यहाँ पर रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। सारे आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि आप को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे चुका है, ठीक है, और आपसे लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, या फिर आप पर दबाव बनाने के पर्पज़ से, ठीक है, आप पर झूठे केस कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है या फिर आपका कोई केस चल रहा है तो उसका भी आप हवाला दें कि आपका प्रॉपर्टी का विवाद है या फिर आपका प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, आप पे दबाव बनाने के लिए केस किया गया है ताकि आप केस वापस ले लें, या फिर इस तरह के केस की प्लानिंग हो रही है ताकि आप पर दबाव बने और आप केस वापस ले लें, इस तरह का आप पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और अभियुक्त लोगों ने या फिर जो भी विपक्ष है उसने आपको झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी है कि वो आपको बड़े संघीय अपराधों में फंसा देगा। इस तरह का सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि इस आधार पर आपको झूठे केसों में फंसाया जा सकता है, आपको दबाव बनाने के लिए, आपकी संपत्ति हड़पने के लिए, या फिर आपको समाज में नीचा दिखाने के लिए, या फिर मारपीट या फिर किसी भी केस में समझौता करने के पर्पज़ से, या फिर आप पे दबाव बना करके कोई केस वापस लेने के संबंध में आप पे झूठे केस किए जा सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको प्रार्थना लिखनी है और प्रार्थना किस तरह से लिखनी है वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि न्याय हित में उपरोक्त मामले की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। ये आपको प्रार्थना लिखनी है। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है और प्रार्थी जो भी हैं उनका नाम, ठीक है, उनकी बलदियत, उनका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसको साइन करा करके आप रजिस्ट्री के माध्यम से आप SSP को भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको तुरंत इस पर कोई कार्रवाई करानी है तो आप SSP के पास जा करके ऐसे खुद भी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे सबूत के तौर पर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई बात बनती है या फिर अगर आप पे कोई केस होता है तो आप सबूत के तौर पर इसे दिखा सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप लिखें। लिखने के बाद आपको अपना साइन करना है और साइन करने के बाद आपको जो है रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो
जो क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस होती है ना, उसके द्वारा आपको इसे रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट आपको करना है। यहाँ पर ध्यान रहे, इसकी आप एक कॉपी करा के अपने पास रखिए, और जो भी आपके पास जो रसीद मिलेगी, जो भी आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री करेंगे, जो रसीद मिलेगी उसको आपको अपने पास संभाल के रखना है। ध्यान रखना, ऐसे मामले में कोई कुरियर करने की ज़रूरत नहीं है, कुरियर ना करें, सिर्फ स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप ये कर देंगे, अगर आपके खिलाफ़ कोई केस होता भी है, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ आप कोर्ट में लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऐसा आपको पहले से अंदेशा था, ठीक है ना, कि अपोजिशन आप पर इस तरह का केस कर सकता है। इसके लिए आपने पहले से ही एसएसपी को शिकायत पत्र लिखा था, एसएसपी को भी अवगत कराया था, लेकिन एसएसपी साहब ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, या फिर किस तरह का किया वो जाने, वो सारी बात आप अदालत में कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपके पास एक एविडेंस है, और आपका अगर पहले से ही कोई केस चल रहा है, तो ऐसे मामले में जो भी आप पे झूठे केस होते हैं, वो उन केसों से आप बड़ी आसानी से बच जाएंगे। देखो क्या है, अगर आप पे कोई झूठा केस होता है तो आप परेशान तो थोड़े से हो जाओगे, क्योंकि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, हर तारीख अटेंड करनी पड़ेगी, बहुत सारे हैं, तो प्रॉब्लम तो आपको होगी, लेकिन आपके पास दूसरा कोई चारा तो नहीं है, या फिर ये है कि आप हाई कोर्ट चले जाएँ 482 के तहत, वहाँ से स्टे ले आएँ। स्टे भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, वहाँ पर क्या है कि आपको ये सारा कुछ दिखाना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्या पहले भी आप पर कोई ऐसे कोई केस हो चुके हैं, या फिर आपने कितने केस जीते हैं, या फिर कोई अगर कोई मेज़र उसमें कोई ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट को कि भाई हाँ आप पर इस वजह से आप पे झूठे केस हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई केस चल रहा है, या फिर कोई ऐसा नॉर्मल सा कोई मैटर है, जैसे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा ही समझ लीजिए। तो ऐसे मामले में क्या है कि अगर किसी पक्ष ने कोई केस किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर साझी की प्रॉपर्टी है तो वो दो हिस्सों में बटेगी ही, ठीक है। और ऐसे मामले में अगर एक पक्ष को ऐसा लगता है कि झूठे केसों में फंसाया जा सकता है, या फिर उसे फंसाया गया है, और उसने अगर ये एसएसपी को कंप्लेंट लिखी है, और उसके बाद अगर दूसरा पक्ष जो है केस कर देता है उस पर, तो वो हाई कोर्ट जाकर के 482 के तहत ये एप्लीकेशन साथ में लगाए, वहाँ से क्या है कि उसे स्टे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि भाई बादी ने पहले से ही जो है प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए को पहले से ही केस कर रखा है, और उसे पहले से आशंका थी, या फिर ऐसी उसे धमकियां पहले से मिल रही थी कि उसे उसके खिलाफ़ कोई झूठा केस हो सकता है, या फिर झूठे केस की उसे धमकियां, जान से मारने की धमकियां, इस तरह की धमकियां पहले से मिल रही थी। उस संबंध में भी उसने एसएसपी को शिकायत पत्र लिखा है, हाई कोर्ट इस बात को समझता है, तो ऐसे मामले में उसे स्टे मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, मतलब ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा कुछ सही है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पर अदालत अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। मतलब ये है कि आप सारा कुछ कर लें, अदालत कुछ ना माने। वैसे अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, अगर आपने एसएसपी को ये लिखा है, उसके बाद अगर आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा केस होता है, तो आप इसे सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं, आप लगा सकते हैं कोर्ट में कि आपने पहले ही कोर्ट को, आई मीन एसएसपी को, इसके संबंध में अवगत कराया था कि आपके ख़िलाफ़ झूठा केस हो सकता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। तो ये दिखा करके आप कोर्ट में झूठे केस से खुद को बचा सकते हैं, केस पर स्टे ले सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।